सो हाई गाइज, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। और इस DSS की क्लास 17 में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में आज हम जो है गेंट्री गर्डर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू गेंट्री गर्डर, ठीक है? यस और नो, आर यू गाइज रेडी? अभी 6 लोग थे, अभी 3 लोग हो गए, 4 लोग हुए। चलिए आइए फटाफट, थोड़ा सा इंतजार नहीं हुआ आप लोगों से, ठीक है ना? चलिए हरी अप गाइस, कम बैक टू पवेलियन। मिहिर रेडी है? बाकी लोग रेडी है या नहीं? चलिए, अंजलि रेडी, जिगर रेडी, सुमंत रेडी है या नहीं, राजू रेडी है या नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे? हरी अप, हरी अप, हरी अप। अच्छा पहले बताइए मुझे, अच्छा चलो ठीक है, वो बात ही नहीं करनी है हमें, खैर। अच्छा तो यूसुफ ब्रेर अब आ चुके हैं, अब आपका यहाँ पर रोल शुरू होता है, ठीक है? आप जो चैप्टर सीखना चाह रहे थे वो यहाँ से शुरू है, ठीक है? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ गेंट्री गर्डर। सबसे पहले आपको बता दूं गेंट्री गर्डर होते क्या है। तो गेंट्री गर्डर बीम्स होते हैं जो कि लिटरली अनसपोर्टेड होते हैं, ठीक है? गेंट्री गर्डर बीम्स होते हैं। और गेंट्री गर्डर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर, आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर ये इंडस्ट्री के अंदर जो क्रेन्स होती है, जो हमारा जो गुड्स उसके अंदर जो उनका हैवी गुड्स होते हैं ना, उसको उठाने के लिए वो वहाँ अंदर अंदर जो है मूविंग क्रेन्स लगाते हैं। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उसके उठाने के लिए क्रेन लगाते हैं, क्रेन लगाते हैं। तो क्रेन क्या करती है, वहां पर वो एक हैवी गुड्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से रहता है पूरा। ये पूरा अरेंजमेंट किस तरह से होता है मैं आपको वो थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये एक्चुअली गेंट्री गर्डर होते क्या है और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और क्यों होता है। ओके, ठीक है, ये एक रफ टूटी फूटी थोड़ी बहुत ऐसी वैसी एक मैंने अरेंजमेंट की है इसकी, जो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगी इसका कि ये क्या होता है एक्चुअली में गेंट्री गर्डर क्या है। तो देखो गेंट्री गर्डर मैंने आपको बताया कि ये लिटरली अनसपोर्टेड बीम्स होते हैं और है रोल्ड सेक्शन की भी हो सकते हैं और बिल्टअप सेक्शन की भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके सेक्शन की, हाँ मैं स्पीड कम रखूंगा आप चिंता मत करो, क्योंकि अब हमारा ये मेन और कोर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसका ऑब्वियसली स्पीड कम रखूंगा और जितना डिटेल में और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, तो ये है हमारा एक असेंबली जिसके अंदर पूरी क्रेन है। ये क्रेन, इसको हम कहते हैं, ये पूरा क्रेन सिस्टम होता है, ठीक है? ये है ट्रॉली या क्रैब कहते हैं, जो मूव होती है इसके ऊपर, ये जो गर्डर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, इन गर्डर्स को हम कहते हैं क्रेन गर्डर, क्रेन गर्डर कहते हैं हम इसको, ठीक है? याद रखिएगा, जिसके ऊपर ये ट्रॉली या क्रैब मूव होती है उसको हम कहते हैं क्रेन गर्डर। ये अपनी बुक के अंदर का, ताकि आपको आसानी हो बाद में समझने के लिए अगर आप कुछ भूल जाओ तो, वरना हमारे वीडियोस तो आप उसे ओपन करके भी देख सकते हो, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो क्रेन या ट्रॉली या क्रैब जिसके ऊपर मूव होती है उसको हम क्रेन गर्डर कहते हैं। और होता क्या है कि ये जो क्रेन गर्डर है, मान लीजिए कि ये हमारे इस तरह से क्रेन गर्डर है, ठीक है? ये एक पहले हुआ और दूसरा इस तरह से हुआ, ठीक है? ये ठीक है, ये हमारे क्या है, क्रेन गर्डर है। इसके ऊपर जो है यहां पर इस तरह से ट्रॉली है, ये
ये ट्रॉली, मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ट्रॉली है जो इसके ऊपर मूव होती है, ये ट्रॉली जो है इधर से उधर मूव होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये दो ये आपके क्रेन गर्डर हो गए, और ये क्रेन गर्डर जो है, ये जो ट्रॉली है ये इस तरह से मूव होगी, और क्रेन गर्डर जो है इस तरह से मूव होते हैं। क्रेन गर्डर ऑल्सो मूव लाइक दिस, ये मैं आपको एक थ्री डायमेंशन दिखा रहा हूँ मूवमेंट उसका, जो इस तरह से मूव हो गए उसके अंदर। ये जो गर्डर है पूरा ये इस तरह से मूव होता है, क्रेन गर्डर इस तरह से मूव होगी, सॉरी क्रेन इस तरह से मूव होगी, और क्रेन गर्डर गेंट्री गर्डर पे, और कि जिस, हाँ मैं आपको बताया अभी कि जिस गर्डर पे ये क्रेन गर्डर मूव होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरह से जिस गर्डर पे ये क्रेन गर्डर मूव होते हैं उसे हम कहते हैं गेंट्री गर्डर, उसे हम कहते हैं गेंट्री गर्डर। दीज आर द गेंट्री गर्डर्स बट ऑफ कंसर्न दैट वी हैव टू डिजाइन इन दिस होल चैप्टर, ये है वो गेंट्री गर्डर्स, इसे हम कहते हैं गेंट्री गर्डर्स, ठीक है। समझ आई बात है यहां तक, ओके क्लियर है। वैसे तो बहुत सिंपल चीज थी कि भाई ये क्रैब है, क्रैब क्रेन गर्डर पे मूव होती है, और क्रेन गर्डर गेंट्री गर्डर पे मूव होती है। गेंट्री गर्डर जो है वो कॉलम पे सपोर्टेड होते हैं, गेंट्री गर्डर कहां सपोर्टेड होते हैं, दीज और दोज आर सपोर्टेड ऑन द कॉलम्स, ठीक है। गेंट्री गर्डर आपके ये ब्रैकेट कॉलम जो होते हैं वहां पर सपोर्टेड किए जाते हैं इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ खास अंदर और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर जरूरी बातें आपको समझा दूं मैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं इसके असेंबली जब बनाते हैं हम गेंट्री गर्डर के अंदर। एक मिनट में आपको जरा इसके अंदर बता देता हूं, गेंट्री गर्डर होते वही आई सेक्शन इस तरह से, जिसके अंदर एक फ्लैंज होती है, टॉप फ्लैंज होती है, एक बॉटम फ्लैंज होती है, ठीक है, इस तरह से। और इसके सेक्शन जो है वो मॉडिफाई करते कर सकते हैं, जैसा कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है तो हम जो है इसके ऊपर एक चैनल सेक्शन इस तरह से लगा देते, वी कैन मेक अ चैनल सेक्शन ऑन इट, ठीक है। तो इस तरह का एक अलग से गेंट्री गर्डर हो जाता है। अगर हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है तो हम नीचे जो है एक कवर प्लेट लगा देते हैं, हमें नीचे क्या करते हैं कवर प्लेट लगा देते हैं, तो क्या यहाँ पर ये टेंशन में संभाल लेगी सब कुछ, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ कवर प्लेट ऑन द टॉप ऑफ दिस फ्लेंज, हम यहाँ पर भी एक कवर प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ पर ये चैनल सेक्शन के साथ उसे प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, असेंबलीज होती है गेंट्री गर्डर की, जो हम हमारे हिसाब से लोडिंग कंडीशन के मुताबिक हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं, और इनके अंदर जो कंपोनेंट है उसे हम यहाँ पर ऐड या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती है गेंट्री गर्डर। मैंने आपको कहा कि ये रोल्ड भी हो सकते हैं, ये बिल्टअप भी हो सकते हैं। अगर 600 mm की डेप्थ तक आ रहे हैं तो हम इसे रोल्ड सेक्शन रख सकते हैं, अगर 800, 900, 1000 mm तक आ रहे हैं तो इसको हमें रोल्ड बिल्टअप सेक्शन बनाने होते हैं। बिल्टअप सेक्शन का मतलब आपको बताया ना दोनों को, सभी को, दोनों का सेक्शन मतलब कि भाई रोल्ड मतलब वो जो ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं, बिल्ट अप मतलब जिसका अलग अलग कंपोनेंट हम दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्लेट गर्डर के अंदर समझाया, ठीक है। हम वेब को अलग डिजाइन करते हैं, फ्लेंज को अलग डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं, तो हम उसे बिल्ट अप सेक्शन कहेंगे, एज वेल एज यहां पर गेंट्री गर्डर भी बिल्ट अप सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें गेंट्री गर्डर क्या होते थे वो मैंने बता दिया, गेंट्री गर्डर कहाँ यूज होते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हैवी लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, ठीक है, हैवी गुड्स होते हैं जो इंसान अगर ले जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, तो ऐसी जगह पे जो है वो इस तरह से एक क्रेन का अरेंजमेंट कर देते हैं, और वो क्रेन क्या करती है कि भाई एक जगह से उस पर्टिकुलर मटेरियल को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है। ये जो क्रेन होती है ये दो तरह की हो सकती है, एक तो होता है हैंड ऑपरेटेड और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड। तो हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड जो होते हैं इन दोनों के अंदर फर्क ये होता है कि दोनों की कैपेसिटी जो होती है लोड उठाने की वो डिफरेंस होती है। हैंड ऑपरेटेड जो होती है वो 50 किलो न्यूटन का लोड को उठा सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है अप टू 50 किलो न्यूटन, लेकिन जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन होती है उसकी कैपेसिटी होती है 10 किलो न्यूटन से लेकर 3000 किलो न्यूटन तक की, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये आपको शायद हो सकता है एमसीक्यू में कहीं पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 10 किलो न्यूटन तक की इसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। इसलिए आज जनरली जो है ये ईओटी टाइप की क्रेन ही यूज की जाती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन होती है, ठीक है। ये तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है और हैंड ऑपरेटेड, दो तरह की क्रेन होती है ये। इस तरह का इसके अंदर जो गेंट्री गर्डर होता है, इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होते हैं, ये गेंट्री गर्डर होता है। हमें जो डिजाइन, अब मैंने आपको ये असेंबली इसलिए समझाई है पूरी, आप कहोगे सर हमें जब गेंट्री गर्डर से ही मतलब है तो फिर हम ये फालतू की जो असेंबली उसके बारे में बात क्यों करें, व्हाई वी आर नॉट कमिंग डायरेक्ट टू द पॉइंट ऑफ गेंट्री गर्डर ओनली। तो वो इसलिए क्योंकि गेंट्री गर्डर इस असेंबली अंदर का एक हिस्सा है, एक
पार्ट के ऊपर जो लोड आने वाले वो इसी असेंबली के थ्रू आने वाले, समझ रहे मेरी बात। इसके अंदर जो लोड आएगा वो क्रेन से आएगा, वो क्रेन गर्डर से आएगा, वो क्रैब से आएगा, इससे आएगा, ठीक है। तो वहां से लोड आने वाले, तो हमें इसका बेसिक आइडिया तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां पे होती है, कैसे काम करती है, क्या लोड होता है वगैरह, वो आगे आपको पता चलेगा इसका, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको समझा दिया मैंने, असेंबली इस तरह से होती है। आगे हर एक मेंबर का अपना एक रोल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर। चलिए, तो अब एक जरूरी चीज और, हम जब भी क्रेन गर्डर के अंदर ये क्रेन प्रोवाइड करते हैं तो ये इसे इस पोर्शन को हम कहते हैं हुक। क्या कहते हैं इसे? इस पोर्शन को हम हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक। इस तरह से होता है जो आपके मटेरियल को ऊपर शिफ्ट करता है, लिफ्ट करता है, और लिफ्ट करके उसे कहीं और शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसे हम हुक कहते हैं। तो ये हुक की लिमिटेशन होती है, इस हुक की लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है कि ये हुक जो है, ये जो हुक होता है आपका इस तरह से, ये पूरा यहां तक जाके टिक नहीं सकता। वी कैन नॉट अलाउ दिस हुक टू रीच दिस एंड सपोर्ट पोजिशन। क्यों नहीं हम यहां तक आने दे सकते उसे? इसकी लिमिटेशन होती है कि हम यहां पर एक हुक अप्रोच करके एक डिस्टेंस दे देते हैं, एक यहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि भाई इससे आगे आपका हुक था, क्यों नहीं जा। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम हुक अप्रोच कहते हैं, जहां तक हुक अप्रोच हो सकता है, इसके आगे हुक आपका अप्रोच नहीं कर सकता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ योर हुक पोजिशन और अप्रोच, ठीक है। अब ये अप्रोच हम क्यों रखते हैं, ये डिस्टेंस हम क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका हुक जो है वो पूरा यहां पर आके टच हो जाता है, और मान लीजिए इसके अंदर कुछ गुड्स या सामान कुछ भी है, ठीक है, बहुत हैवी है, तो यहां पर आएगा तो वो हो सकता है इस कॉलम को या इस यहां पर वॉल होगी उसको डैमेज करे। इट मे बी क्रिएट डिस्ट्रक्शन ओवर हियर, वो डैमेज कर सकता है यहां पर। अगर वो अचानक से यहां पर आ गया और उसको ठुक गया वो, तो वो यहां पर जो है यहां पर डैमेज कर सकता है इस बॉडी पार्ट्स को, वो जो है डैमेज कर सकता है। और भी इसके अंदर इंपैक्ट पड़ सकते हैं जिसके ऊपर से ये सारी क्रेन की जो असेंबली है वो सारी की सारी नीचे आ जाए इंपैक्ट लोडिंग की वजह से। तो और भी कई ज्यादा इसके जो है रीजंस होते हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो है लिमिटेशन दे रखी है, वो अप्रोच दे रखा है इसका, एक लक्ष्मण रेखा इसके लिए खींची गई है कि भाई इस रेखा को आप पार नहीं कर सकते। हुक अप्रोच जी, आप इस रेखा को पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे हम हुक अप्रोच कहेंगे। इसका एक बहुत खास इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इसे अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक था, आपको समझ में आ गया यहां तक? यस और नो, यहां तक बेसिक चीजें आ गई कि ये असेंबली क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट किसके ऊपर होते हैं, कौन से कंपोनेंट किसके नीचे होते हैं, कि कौन किस तरह से मूवमेंट करता है, किसका फंक्शन है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? जरा बताइए मुझे सभी लोग, जिगर का जवाब आ चुका है, मीर का जवाब आ चुका है, अंजलि आपका जवाब बाकी है, राजू आपका जवाब बाकी है, और सुमंत आपका जवाब बाकी है, यूसुफ आपका जवाब बाकी है, जल्दी करो, सभी लोगों के जवाब चाहिए। यूसुफ आप खास इसका इंतजार कर रहे थे, मैं आपसे खास इसका जवाब लेना चाहूंगा कि आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हरी अप, आई नीड योर आंसर। हरी अप, ओके, बहुत खूब, वेरी गुड, ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, ओके। तो ये बेसिक चीजें थी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो उसका पूरा क्राइटेरिया वगैरह था, हमने देख लिया, ओके। अब स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेगी हम लोग डिजाइनिंग के लिए। उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं मैं। स्टेप्स के अंदर आपको जो है स्टेप भी बहुत सिंपल से, इसके बहुत आसान स्टेप है। आपने प्लेट गटर कर लिया है, प्लेट गटर तो ये आपके लिए बच्चे जैसी चीज हो गई अभी, ठीक है। अब चुटकियों में से सॉल्व कर लोगे क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेप सेम ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ जरूरी चीजें डिफरेंट होती है। वो है कि भाई मैक्सिमम लोड, क्योंकि लोड कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, तो मैक्सिमम लोड हमें एक तो पता करना होता है, मैक्सिमम रिएक्शन शियर फोर्स हमें पता करना होता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता करनी होती है, ठीक है। मैक्सिमम लोड जो है वो हम गैंट्री गर्डर पे नहीं, बल्कि स्पान जो होता है हमारा क्रेन गर्डर का, मैक्सिमम लोड हम क्रेन गर्डर के ऊपर देखेंगे कि मैक्सिमम लोड कितना और कहां पे होगा। उसके बाद मैक्सिमम शेयर फोर्स गैंट्री गटर की बात करेंगे, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स गैंट्री गटर पे कितना और कहाँ होगा, और मैक्सिमम जो आपका मोमेंट है गैंट्री गटर पे वो कहाँ और कैसे होगी। अब ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोड की पोजिशन कहाँ पर होगी, मैक्सिमम लोड की पोजिशन कहाँ पर होगी। तो मैं फिर से, मैंने वो खामखा उस पूरे ड्रॉइंग को मैंने जो है वो रफ कर दिया, वरना उसकी जरूरत अभी पड़ती है हमें, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। उसको
उस ड्राइंग को मैंने ड्रॉ फिर से करना है, मैंने गलती कर दी उसको रफ करके। ठीक है, ये इस तरह से कुछ असेंबली मैंने आपको बताई थी अभी। अब मैक्सिमम लोड कहां पर होगा? अब चूंकि एक बात आप गौर कीजिएगा इसके अंदर कि इसमें जो भी लोड है यहां पर, चाहे वो हुक लोड है, मतलब जो गुड्स यहां पर उठा रहा है वो लोड है, चाहे वो क्रेन का लोड है, क्रैब का लोड है, क्रेन गर्डर है, ये सारे जो लोड है भाई साहब, ये मूविंग लोड्स है, कोई भी स्टेटिक नहीं है, ये सारे क्या है, मूविंग लोड्स है। तो मूविंग लोड जब है तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मैक्सिमम लोड कहां पर होगा? बिकॉज इट इज यूडीएल, इट इज मूविंग लोड। जब मूविंग लोड होता है तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहां पर ये इसका हम मैक्सिमम कंसिडर करें। डिजाइन करने के लिए हमें कोई तो पॉइंट चाहिए डिजाइन करने के लिए, मैक्सिमम के लिए, तो वो हम पॉइंट कहां से कंसिडर करेंगे? तो आपको करना ये होता है कि हमें एक चीज पता है, मैंने आपको बताई थी हुक अप्रोच। हुक अप्रोच क्या होती है? हुक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके आगे जो व्हील लोड है, ये सॉरी ये जो गुड्स है वो नहीं जा सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोड वहीं पर होगा जहां आपका वेट लिफ्टेड होगा। सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए यहां पर जो है इसने 100 किलो न्यूटन का लोड उठा रखा है, तो मैक्सिमम लोड मतलब यहीं पर हुआ, यस और नो? अगर ये मूव करता है तो ये जहां जहां मूव करेगा वहां वहां उस पॉइंट का, उस सेगमेंट के अंदर लोड मैक्सिमम होता रहेगा। सिंपल चीज है, समझ रहे मेरी बात आप? जहां पर ये लोड होगा, अगर ये लोड यहां पर हुआ तो यहां पर मैक्सिमम लोड होगा, अगर ये यहां पर हुआ तो यहां पर तो मतलब जैसे जैसे ये क्रेन मूव करेगी वैसे वैसे वहां वहां उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम लोड होगा और बाजू बाकी वाले पॉइंट पर उससे उससे कम्बल चीज है। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि मैक्सिमम लोड कहां, इसे कहीं ना तो कहीं रोकना होगा हमें कंसिडर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हुक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे ये क्रेन या हुक नहीं जा सकती। अब जिसके आगे नहीं जा सकती मतलब यहां पर ही रुक जाएगी, यहां पर रुकेगी, और यहां पर रुकेगी तो इसका मतलब मैक्सिमम लोड यहां पर होगा। सिंपल चीज है, जहां पर रुकेगी वहां मैक्सिमम लोड होगा, यस और नो? दिस इज फॉर द सेक ऑफ अवर कैलकुलेशन ऑफ लोड पोजिशन दैट विल फाइंड आउट द मैक्सिमम लोड ओवर दिस गर्डर और स्पान ऑफ क्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात कि भाई हमें एक पोजीशन जाननी थी और वो पोजीशन हम हुक अप्रोच के हिसाब से जानेंगे कि जहां हुक अप्रोच होगा वहां पर ऑब्वियसली इस हुक को आके रुक जाना है, और हुक के अगर नीचे लोड है तो वहां पर मैक्सिमम लोड होगा। दिस इज द सिंपल पोजीशन ऑफ मैक्सिमम लोड। समझ में आया आप लोगों को ये नहीं? यस और नो करके बताइए मुझे। हरी अब आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी करो मुझे बताइए जवाब। समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रिपीट करना है ठीक है, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बताइए फटाफट। सर स्टॉप टू सेंटर में भी हो सकती है तो सेंटर में क्यों नहीं मैक्सिमम? स्टॉप सेंटर में हो सकती है, सेंटर में हो सकती है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्शन है हमारा, ये कोई ऐसा नहीं कंपल्सरी नहीं, ये प्रिडिक्शन है हमारा। स्टॉप तो वो यहां पर भी हो सकता है, स्टॉप तो वो यहां पर भी हो सकता है, स्टॉप हम चाहे वहां पर हो सकता है, स्टॉप हम चाहे जहां वहां पर स्टॉप हो सकता है, बट हुक अप्रोच इज अ पॉइंट दैट वहां पर कंपल्सरीली उस क्रेन को आकर स्टॉप होना ही है, बाकी वो स्टॉप तो हम जहां चाहे वहां हो सकता है। बात समझ में आ रही मेरी? हुक अप्रोच को ही क्यों कंसिडर किया? बिकॉज वहां पर कंपल्सरीली आपकी क्रेन को आकर स्टॉप होना है। समझ में आई बात मेरी आपको? मैं फिर से इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसको तो सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे मैक्सिमम लोड की पोजीशन कहां होगी। तो मैक्सिमम लोड की पोजीशन जानने के लिए हमें पहले यह तो पता करना होगा, क्योंकि ये लोड जो है ये मूविंग है, क्रेन हमारी मूविंग है, क्रेन मूविंग है, मतलब जहां पर क्रेन होगा वहां पर मैक्सिमम लोड होगा, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम लोड व्हेन लोड इज अप्रोच लिमिट, लोड इज एट अप्रोच लिमिट, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस स्टेप। ओके राजू, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो मैं क्या कर रहा था आपको कि मैक्सिमम लोड की कंडीशन हमें जाननी है कहां पर होगा। तो हमें पता है कि जहां हमारा क्रेन या हुक होगा, हुक हमारा लोड लेगा,
मटेरियल को कौन शिफ्ट लिफ्ट करेगा, हुक करेगा, तो हुक के अंदर लोड होगा, मैक्सिमम लोड वही माना जाएगा, वो कहां पर होगा? तो हम पूरे स्पान के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, लाइक इन्फ्लुएंस, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब ही होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मतलब ही होता है कि हम हर एक इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर लाइन का या लोड का अंते उसका इफेक्ट पता करते हैं कि अगर ये लोड यहां पर हुआ तो इसका इफेक्ट यहां पर कितना होगा, इसका इफेक्ट यहां पर कितना होगा, उसे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अलग सा टॉपिक है, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है। यहां पर हम बात करें मैक्सिमम लोड जानने की, तो मैक्सिमम लोड यहां पर क्या होगा कि भाई जहां पर हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा, मैक्सिमम लोड जहां पर होगा वो हमारा मैक्सिमम लोड होगा। और हमें पता है कि हुक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जहां पर कंपल्सरीली हमारे हुक को स्टॉप होना है, हुक हमारा उसके आगे नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता तो फिर यहां इसका मतलब यह है कि यह उसका फाइनल स्टॉपिंग स्टॉप होगा। यस और नो? जब ये फाइनल स्टॉपिंग स्टॉप है इसका, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि भाई यहां पर लोड हो सकता है। और इसी चीज को कंसीडर करते हुए, इसी पॉइंट को, इसी सेक्शन को कंसीडर करते हुए हम पूरे क्रेन गर्डर को वहां पर लोड अप्लाई करते हैं और उसको उस तरह से डिजाइन करते हैं। और ये जो क्रेन की जो पूरी जो असेंबली होती है, ये इसके डिजाइनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और ये मैन्युफैक्चरर्स उसको उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर्स जो है उसकी लोड के हिसाब से इन क्रेन गर्डर को और यहां पर जो ये उसका क्रैब होता है उसको डिजाइन करते हैं। गैंट्री गर्डर हमें डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसकी तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि भाई मैक्सिमम लोड जहां कहां होगा, जहां पर ये क्रेन खड़ी होगी। क्रेन खड़ी कहां हो सकती है? जहां पर उसका स्टॉप हो। और स्टॉप कहां होगा इसका? जहां पर हुक अप्रोच आ गया हो। सिमिलर चीज है। यस और नो? अब समझ में आया या अब भी आप इसके अंदर कंफ्यूज है कि सर यहीं पर क्यों लिया आपने? अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो आप ट्रेन जहां ट्रेन का जंक्शन है या स्टॉप है वहीं से आप ट्रेन पकड़ोगे। आप ये तो नहीं बोलोगे कि ट्रेन कहीं भी रुक सकती है, ठीक है। तो ये एक एक ऐसा स्टॉप है जहां पर कंपल्सरीली उसको आके रुकना है। बाकी लोग क्या क्या राय है बताइए फटाफट, मुझे जल्दी बताइए फटाफट। निगंत, अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो और क्लियर करते हैं अपन इसको। बताइए मुझे आपकी क्या राय है जल्दी जल्दी। मन में कोई भी संकोच नहीं रहना चाहिए सवाल पूछते समय कि यार मैं ऐसा पूछूंगा तो कुछ कहेगी तो नहीं मुझे, ऐसा वैसा वगैरह कुछ, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। जो भी छोटा मोटा सवाल है पूछ लीजिएगा, डाउट सारे क्लियर होने चाहिए अपने अपने छोटे छोटे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हो गया है सुमंत का, थोड़ा सा क्लियर हुआ है यूसुफ का, थोड़ा सा। अब देखो क्लियर मतलब यूसुफ का पूरा हो गया। सुमंत, आप जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसकी आप चिंता मत करो। वैसे भी मैं बेसिक करवा रहा हूं आपको, तो डिटेल में इतना डीप अगर समझ में आ जाए तो भी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कि भाई इस तरह से जो है मैक्सिमम लोड की पोजीशन यहां पर कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम रिएक्शन के बारे में, सॉरी मैक्सिमम शियर फोर्स के बारे में, मतलब वही। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर होगा? बिकॉज हम जो है SFBM कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर होगा इसकी हमें पोजीशन निकालनी है। तो ये मैक्सिमम कहां पर होगा? तो मान लीजिए ये आपका जो है इस तरह से गेंट्री गर्डर है, ये सपोर्ट है, इसके कॉलम सपोर्ट है, ठीक है, दोनों भी गेंट्री गर्डर है, ये दोनों सपोर्ट है, इसको हम ए हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो है इसके ऊपर UDL होगा क्रेन गर्डर का, है ना, होगा नहीं होगा? गेंट्री गर्डर पे क्या मूव करेगा? गेंट्री गर्डर पे क्या मूव करेगा? क्रेन गर्डर मूव करेगा। और एक गेंट्री गर्डर पे क्रेन गर्डर के कितने व्हील होगा? बिकॉज क्रेन गर्डर के भी व्हील होते हैं, ठीक है, उसकी रेल्स होती है, उसके ऊपर व्हील होते हैं। एक गेंट्री गर्डर पे क्रेन गर्डर के कितने व्हील होगे, कोई बताएगा मुझे? अगर आपको थोड़ा सा आइडिया इसका आ रहा हो तो जरा बताइए मुझे कि एक गेंट्री गर्डर पे क्रेन गर्डर के कितने व्हील होगे? मिहिर ने जवाब दिया दो, ओके, वेरी गुड मिहिर। और कोई किसी का जवाब इसको करेक्ट करना या फिर अपना कुछ गलत जवाब देना? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो सबको बताया मतलब कि यहां पर दो हमारे व्हील्स हो गए एक गेंट्री गर्डर पे, ठीक है, और दूसरे उस दूसरे गेंट्री गर्डर पे हो गए, ठीक, सामने वाले पे हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब क्या है हमारे पास कि दो गेंट, अब हमें पता है हमें क्या कहा गया है, क्योंकि ये एम्पिरिकल बेसिस पे माना गया है, एक्सपीरियंस किया गया है और उसके बाद इसको समझाया गया है कि जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपका एक व्हील सपोर्ट पर हो किसी भी तरफ से, एक आपका, दोनों में से दो व्हील हमारे पास है, तो दोनों में से जब एक व्हील यहां पर, दोनों में से एक व्हील यहां पर
सपोर्ट पे होगा, चाहे वो इधर हो या इधर हो। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स होगा। अब ये कैसे होगा हम जब कैलकुलेशन करेंगे एग्जांपल के अंदर, तो मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि ये मैक्सिमम यहां पर ही क्यों होगा। ठीक है, आपको ये एग्जांपल के अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वैल्यूज के डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं कि यहां पर ये मैक्सिमम कैसे हो रहा है। आप सिर्फ अभी इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां होता है और कब होता है। मैक्सिमम शेयर फोर्स तब होता है जब दोनों में से कोई एक व्हील आपका सपोर्ट के ऊपर हो। जब दोनों में से कोई एक व्हील आपका सपोर्ट के ऊपर हो, तब आपका वहां मैक्सिमम शियर फोर्स आपको मिलेगा। और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको हम एग्जांपल के अंदर कैलकुलेट करके बताएंगे बकायदा। ठीक है, इतना आपको पहले तो मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है। आगे इसका क्या क्राइटेरिया होता है कैलकुलेशन के बेसिस पर हम एग्जांपल के अंदर डिटेल में समझेंगे। पहले यहां बता दीजिए कि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए हरी अब चलो जल्दी करो। मैक्सिमम शियर फोर्स कहां और कब होगा, जब कोई एक व्हील किसी और एक सपोर्ट पे होगा तब। ठीक है, क्लियर है अंजलि को, क्लियर है ओके। और किसी को क्लियर है या नहीं है बताइए फटाफट हरी अब। क्लियर है ओके, वेरी गुड। और क्लियर है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। और जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन आपके अगर हो गए शायद, तो हम उसको एग्जाम्पल के अंदर क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यूसुफ को भी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत खूब। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स की, हमने बात यहां पर बखूबी कर ली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पूरे गैंट्री गर्डर पे हमें कहां मिलेगी, तो इसके लिए एक असेंबली हमें दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एंड कैलकुलेशन। वो क्या है, अब जरा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा इसको बड़ा कर देते अपन। ठीक है, ये पूरा गैंट्री गर्डर है आपका, ये सपोर्ट है आपका ए, ये सपोर्ट उधर हो गया आपका बी। ठीक है, सपोर्ट ए सपोर्ट बी आपका है। अब मैक्सिमम गैंट्री गर्डर का जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगी, तो मान लीजिए कि ये जो है आपके पूरे गैंट्री गर्डर का सेंटर पॉइंट है सी, पूरे इस स्पान का सेंटर सी है। ओके, तो जब ये सेंटर है तो आपको क्या कहा गया है कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा, जब, क्योंकि हमें पता है कि दो व्हील यहां पर होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक व्हील यहां पर है इसका, और मान लीजिए दूसरा व्हील इसका कहीं यहां पर है। ये अरेंजमेंट कुछ आपको इस तरह से करना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दो व्हील के बीच का, इसको हम आर कह लेते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ टू व्हील्स। दोनों व्हील्स के बीच का डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि ये पूरे स्पान का सेंटर है सी, तो दोनों व्हील का सेंटर है यहां पर आर। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा अपन इस स्पान को, इस सेंटर को अपन यहां कह देते हैं। ठीक है, आपको और क्लियर समझ। तो मान लीजिए ये पूरे हमारे स्पान का सेंटर है सी, और ये दोनों मैक्सिमम लोड कहां पर होगा, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगी, तो ये कहा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पर होगी जो ऐसी असेंबली के अंदर गैंट्री गटर के स्पान से जो नियरर व्हील होगा। और ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है कि ये भी और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। ठीक है, ये पूरा इसको हम कहते हैं व्हील बेस, इसको हम कहते हैं व्हील बेस। दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, व्हील बेस होता है, उसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए पूरा बी 4 मीटर का है, तो दोनों सेंटीमीटर का इधर आ गया, 2 मीटर का इधर आ गया, 1 मीटर ये 1 मीटर ये, इस तरह से होना चाहिए आपका असेंबली पूरी, आपका जो अरेंजमेंट, इस तरह से होना चाहिए कि ये जो है आर इसका इस तरह से लोकेट होना चाहिए कि सेंटर से आर और एक व्हील इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। सेंटर ऑफ टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और दोनों में से कोई एक गेंट्री गर्डर के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। जब ऐसी कंडीशन, ऐसी असेंबली, ऐसा अरेंजमेंट आप करोगे, तो जो नियरर व्हील होगा सी के, वहां पर मैक्सिमम बेंडमेंट होगी। क्लियर हो गया आपको, फिर से समझाओ आपको मैं ये, या क्लियर है जरा बताइए मुझे। आप लोग की जरूरत थी बस, और कुछ नहीं था। क्लियर है आपको, यस और हरी अब।
इट इज इट क्लियर और नॉट यूसुफ और सुमन को? हरी रिप्लाई करो, अगर है तो पूछो, अगर नहीं है तो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। यूसुफ को क्लियर है, राजू को क्लियर है, सुमंत को क्लियर है, मिहिर को है या नहीं बताइए फटाफट, मिहिर मुझे जवाब दीजिए अपना, मिहिर को क्लियर है या नहीं है? यूसुफ में समझ गया आपकी बात को, क्लियर है, ओके। अंजलि क्लियर है आपको? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जांपल के अंदर तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको अगर आधी रात को अचानक कोई उठा देगा कि बताओ मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट घंटे के डर के अंदर कहाँ होगी, तो आप उसका आंखें बंद करके बता दोगे कि यहां पर होगी भाई साहब, देख लो, ठीक है। तो ये अभी के तब इतना आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम लोकेशन, वो किस तरह से निकालने हैं। और एक इसके अंदर एक चीज जरूरी है, देखो ये सिंगल गैंट्री गर्डर, सिंगल क्रेन थी यहां पर, ठीक है, यहां पर ये सिंगल क्रेन थी। अब मान लीजिए डबल क्रेन अगर हो जाती है तो, व्हाट इफ अगर डबल क्रेन यहां पर हो जाती है तो वही होगा। डबल क्रेन जब होती है तो मान लीजिए एक ये क्रेन हो गई, मान लीजिए एक ये दो दूसरी क्रेन हो गई, ठीक है, ये पहली क्रेन दूसरी क्रेन, तो अब क्या होगा? वही सिंपल कंसेप्ट वही लागू हो जाएगा। इसको एक व्हील मान लेंगे, इसको दूसरा व्हील मान लेंगे, सेंटर को हम, ठीक है, और आर से, और सॉरी सेंटर ऑफ हमारा गैंट्री गटर जो है, इन दो गैंट्री गटर के दोनों का सेंटर और दोनों के बीच के एक व्हील का सेंटर से हो तो वो व्हील पर मैक्सिमम होगी। ये दोनों डबल जब क्रेन गटर होते हैं ना, तब वैसा होता है। इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे कि यहां पर सिंगल क्रेन गटर के अंदर एक व्हील मानते थे, दूसरा व्हील मानते थे, तो आप इसको पूरा एक गेंट्री गटर मान लो, इसको एक गेंट्री गटर मान लो, बाकी वो कंसेप्ट सेम रहेगा। इसके अंदर कोई और डिफरेंस नहीं है। डबल क्रेन वाला समझ में आ गया आपको? डबल क्रेन वाला समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, डबल क्रेन वाला समझ में आया या नहीं आया? सर्ज लोड क्या है सर? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ बता रहा हूं अभी। लोड कौन कौन से एक्ट होते हैं इसके अंदर, मैं सब कुछ बताता हूं आपको अभी, ठीक है। सर्ज लोड क्या होता है, इंपैक्ट लोड क्या होता है, ठीक है, ये जो ब्रेकिंग लोड होते हैं वो, ड्रैग लोड क्या होता है, ड्रैग फोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सब बताता हूं मैं आपको अभी। पहले बताइए यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं है? आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है? इसके बाद हम लोडिंग कंडीशन की बात कर लेंगे, उसके बाद हम जो है स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब एक एक सबको क्लियर है सब कुछ, ये आगे बढ़ो फिर मैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोड, अब देखो लोड हमें पता करना है कौन कौन से लोड, क्योंकि लोड के बिना हम इसको डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोड हमें पता होना चाहिए पहले कि कौन से लोड इसके ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें तरह तरह के लोड होते हैं। पहले तो जो उसके सेल्फ वेट वगैरह होते हैं, गेंट होगा, हुक लोड होगा और वेट ऑफ क्रैब होगा, ये अपने अपने सारे सेल्फ वेट हो जाते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, ये सारे अलग लोड होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, एक खास, अब जो खास तरह के लोड होते हैं ट्रांसवर्स, सॉरी देखो, एक होता है पहला इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड, ठीक है, जरा आप लिख लीजिएगा। अब ये इंपैक्ट लोड क्या होता है, डू यू मीन बाय इंपैक्ट लोड? तो हमें पता है कि हमारा जो हुक क्रैब का, ठीक, वो मटेरियल को लिफ्ट करता है। अब ये जो लिफ्ट करते समय या मटेरियल को ड्रॉप करते समय इसके अंदर क्या होता है, एक झटका लगता है। इसके अंदर क्या होता है, एक झटका लगता है, इसके अंदर एक इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो ये जो इंपैक्ट होता है, इसकी वजह से जो लोड ये क्रिएट करता है एक छोटा सा इंस्टेंट के लिए, उसे हम कहते हैं इंपैक्ट लोड। इट इज द इंपैक्ट ड्यू टू द लोडिंग। और एक जब ये एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल होता है, वो हमारा हुक जो होता है, ठीक है, हमें पता है कि हुक क्या करता है, हमारे एक जगह से लोड को उठाता है, पिकअप करता है, दूसरी जगह लोड जाता है, वहां पे ड्रॉप करता है। तो पिकअप करने का और ड्रॉप करने के अंदर जो इंपैक्ट उसके अंदर क्रिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट लोड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। इसके कुछ प्रोविजन है आपको आईएस कोड में, अगर आप देखोगे आईएस 875 के अंदर, वहां पर आपको टेबल नंबर 1 5.1 दे रखा है, उसमें ये आगे हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है,
एग्जाम्पल के अंदर हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सब कुछ एक एक चीज डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, एक एक क्लॉज को, एक एक टेबल को वहां पर खंगालेंगे हम लोग कि कौन सी जगह किस वैल्यू को किस लिए यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दूसरा होता है ड्रैग फोर्स, या उसे हम कह सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल हॉरिजेंटल फोर्स, हम इसे ड्रैग फोर्स से जानते हैं, ठीक है। ड्रैग फोर्स क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारी जो क्रेन गर्डर है वो गेंट्री गर्डर के ऊपर रेल की मदद से मूव होती है, ठीक है। तो क्रेन गर्डर जब मूव होती है तो वो उसके मूवमेंट के दौरान जब वो रुकती है या चलती है तब उसके अंदर क्या होता है कि वो जो एक प्रेशर, जो लोड वहां पर गेंट्री गर्डर के ऊपर क्रिएट करती है उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। उसे हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। इट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट और ब्रेकिंग ऑफ क्रेन गर्डर इन द डायरेक्शन ऑफ गेंट्री गर्डर। गेंट्री गर्डर के ऊपर जो क्रेन गर्डर है, जो रेल पे मूव हो रही है, उसके चलने के या रुकने की वजह से जो वहां पर फोर्स क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। और सर्ज फोर्स क्या होता है, सर्ज लोड क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जरा, हाँ, ड्रैग फोर्स की भी कुछ प्रोविजन आपको दे रखी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। अभी अगर मैं आपको ये सारे डेटा बता सकता, कंफ्यूजन इसके अंदर हो सकता है कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, तब एग्जांपल के अंदर हम हर एक चीज को बारीकी से वहां पर सीखेंगे कि कौन सी वैल्यू कितने परसेंट की कब लेनी है, क्यों लेनी है, कहां लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक, और कहां से लेनी है। तो हम अभी बात करेंगे डायरेक्ट यहां पर उसके बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने बता दिया ड्रैग फोर्स क्या होता है, कि ड्रैग फोर्स ये होता है जो भाई हम हमारी जो क्रेन गर्डर है वो मूवमेंट करते या ब्रेक करते हैं वहां पर, हम उसको ब्रेकिंग, तो उसकी वजह से जो फोर्स वहां पर गेंट्री गर्डर पर जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, या उसको हम ब्रेकिंग फोर्स भी फिर कह सकते हैं। अगला फोर्स आता है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, चलो दूसरा हमने देख लिया यहां पर ड्रैग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा यहां पर सर्ज, सिंपल है, क्रेन गर्डर के ऊपर जो क्रैक हमारी मूव है उसके मूवमेंट की या ब्रेकिंग की वजह से, ये क्रेन गर्डर के ऊपर जो क्रैब या ट्रॉली हमारी है, जो हुक है, जो हमारा गुड्स ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, अंदर, तो उसकी वजह से, उसके मूवमेंट या ब्रेकिंग की वजह से जो लोड वहां पर जनरेट या प्रोड्यूस होता है उसे हम सर्ज लोड कहते हैं। ये सिंपल चीज है, आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम वो ट्रॉली को वहां पर मूव करवाते हैं तो जब मूव करवा रहे हैं तो एक झटका वहां पर लगता है, जब हम स्टॉप कर क्यूड होती है वो क्या होती है, लोडेड होती है, ठीक है। वो जो हमारी ट्रॉली होती है हुक के अंदर यहां पर कुछ वेट होगा, लोड होगा, तो ये वेट जो है इसकी वजह से वो लोडेड होती है, तो लोडेड होती है तो जब स्टार्ट या स्टॉप होती है तो वहां पर जो लोड जनरेट होता है उसे हम सर्ज लोड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सर्ज लोड। यूसुफ, आपको समझ में आ गया ये कि सर्ज लोड किसे कहते हैं, ब्रेकिंग या आपको आगे हर एक कैलकुलेशन के अंदर जब हम शियर फोर्स, मोमेंट वगैरह या कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, लोड कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पर इन सब चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और किस तरह से कंसीडर करेंगे के दौरान ही अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, समझ में आ गया यहां तक आपको, यस और नो, जल्दी मुझे अपने जवाब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो अपन इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो गाइस, इनके कुछ प्रोविजन आईएस कोड में है तो हम आगे आईएस कोड के द्वारा जो वैल्यूज दे रखी है न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल में यूज करते समय मैं आपको इसके अंदर और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये वैल्यूज हमें यहां पर इतनी लेनी है तो क्यों लेनी है, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया नहीं है, जल्दी करो फटाफट, लोग काफी कम हो चुके हैं अभी। नो, रिपीट सर्ज लोड। अरे यार सिंपल चीज है ना, मतलब जो चीज हमारी क्रेन गर्डर था, क्रेन गर्डर स्टॉप हो रही है, वो ब्रेक हम उसको मार रहे हैं, ठीक है, क्रेन गर्डर को, तो क्रेन गर्डर की वजह से क्या होता है, ड्रैग या ब्रेकिंग फोर्स। क्रेन गर्डर की वजह से जो जनरेट होता है उसे हम ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। और क्रेन गर्डर के ऊपर जो हमारी क्रैब है, जो ट्रॉली हम किसे कहेंगे या हुक कहेंगे, ठीक है, ट्रॉली या क्रैब, तो उसके स्टॉपिंग या स्टार्टिंग की वजह से जो लोड जनरेट होगा उसे हम सर्ज सर्ज कहेंगे। ये होता है क्रैब, मैं बताता हूं, चलो, ये होता है आपके क्रैब की वजह से, ये होता है आपके क्रेन की वजह से, क्रेन गर्डर की वजह से, सॉरी, क्रेन गर्डर की वजह से, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, गर्डर की वजह से, ये क्रैब या ट्रॉली की वजह से, राइट इट डाउन। सर्ज लोड आपका क्रैब या ट्रॉली के स्टॉपिंग या स्टार्टिंग की वजह से होता है,
ब्रेक मारने की वजह से या स्टॉप कर रहे हो आप इसको सडनली कहीं पे, ठीक है, तो उसकी वजह से सर्ज लोड होता है और ड्रैग या ब्रेकिंग फोर्स होता है क्रेन गटर की वजह से, ठीक है, और ये इंपैक्ट लोड होता है जो हम हुक के अंदर जो शिफ्ट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को या पटकते हैं वहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो उसके उसके अंदर होता है, उसको हम इंपैक्ट लोड कहते हैं। अब क्लियर है लोगों को? यस और नो? नाउ इज इट क्लियर और नॉट? हरी अब क्लियर है, ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे, खैर जो भी है। तो यहां तक हमने बेसिक बेसिक चीजें सीख ली, मात्राएं दे रखी है कि कहां कितना परसेंट लोड किसके अंदर आपको लेना है, वो आईएस कोड 875 के अंदर दे रखा है। तो मैं आपको आगे जब हम कल डिस्कस करेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल को, तब मैं आपको और अच्छी तरह से उसके अंदर सिखाऊंगा कि आप जो है इस सारी चीजों के साथ किस तरह से डील कर सकते हो और कौन सा लोड आपको किस तरह से कहां लेना है, ये सब हम आने वाले एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल करनी नहीं है, ओके? अब आगे हम बढ़ते हैं स्टेप की ओर, कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हमें कंसिडर करने हैं या कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, ठीक है, हमें कौन कौन से स्टेप्स इसके लेने हैं उसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं, ओके, आगे बढ़े हम, यस और नो? इसकी ओर आगे बढ़े, यस और नो? और स्टेप्स के लिए या इसकी नोट्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.technicalcivil.com, उसके ऊपर हमने एक डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर की एक नोट या पीडीएफ अपलोड कर रखी है, अगर आप चाहते हो उसे देखने पास रखना तो वहाँ पर आप नोट्स के अंदर जाके पीडीएफ फाइल में जाके वहाँ पर जो है डिज़ाइन ऑफ गेंट्री गर्डर की नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जो है अपने उसको अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं, स्टेप्स के बारे में बहुत ज्यादा डीप में अभी हम नहीं जाएंगे, स्टेप्स के अंदर भी हम बेसिक बेसिक ओवरव्यू ही देख लेंगे कि किसमें आपको क्या करना है, कल जब न्यूमेरिकल देखेंगे सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम और भी अच्छी तरह से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी के बेसिस पर हम आगे कैलकुलेशन सारे करें। चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो हमने पहले हमें पता था कि लोड हमें निकालना पहले बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, लोड हमें निकालना पहले बहुत जरूरी हो जाता है, तो सबसे पहले तो हमारा होगा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा मैक्सिमम व्हील लोड, व्हील लोड, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। खैर चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा लोड कैलकुलेशन, जो व्हील है हमारे पास, ठीक है, उनके लोड यहां पर कितने आ, और व्हील कौन से हो गए, ये व्हील हो गए हमारे क्रेन गर्डर के, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और डिजाइन द गेंट्री गर्डर ओवर हियर, तो गेंट्री गर्डर के ऊपर क्रेन गर्डर की जो व्हील लोड है उसके वो कितने आ रहे हैं वो यहां पर हमें कंक्लूड करने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे, वो किस तरह से किए जाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में किस तरह से हमें करना होता है, ठीक है। इसका वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, कि यूडीएल ऑन क्रेन गर्डर इज इक्वल टू हो सकता है टोटल वेट ऑफ द क्रेन गर्डर डिवाइड बाय स्पान ऑफ क्रेन गर्डर, टोटल ये हम कह सकते हैं कि भाई यूडीएल ऑन क्रेन गर्डर इज इक्वल टू यूडीएल टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ क्रेन गर्डर डिवाइड बाय स्पान ऑफ क्रेन गर्डर। अभी आप ये सब लिखोगे ना तो आपको शायद हो सकता है ऊपर से जाए, आपको ये सब नहीं करवाऊंगा, अभी मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि हम स्टेप किस तरह से फॉलो करेंगे, प्रोसीजर क्या होगी हमारी, स्टेप्स के अंदर होगा क्या वो मैं कल आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी ध्यान, ये जो मोटे मोटे स्टेप है, पहला स्टेप हमारा है मैक्सिमम व्हील लोड निकालना, कि भाई जो हमारे व्हील लोड है उसका कितना आने वाला है हमारे गेंट्री गर्डर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होगा सेकंड स्टेप, मैं जो करवा रहा हूं जिस तरह से करवा रहा हूं उसी तरह से कीजिएगा, कल आपको और इसके अंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा होगा यहां पर सेकंड स्टेप, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन गेंट्री गर्डर, ठीक है। ये हमने जो पहले निकाला मैक्सिमम गेंट्री गर्डर कहां पे होता है वो हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम गेंट्री गर्डर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गेंट्री गर्डर की इस तरह से निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन के अंदर, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। थर्ड स्टेप हमारा होगा इसके अंदर मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम
शियर फोर्स, ये सब कुछ अपनी आप नोटबुक में लिख लीजिएगा साथ साथ मेरे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और मैक्सिमम शियर फोर्स जब निकालते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है मैंने आपको बता दिया है, और कल हम जब देखेंगे कि मैक्सिमम शियर फोर्स किस तरह से निकाला जाता है न्यूमेरिकल के तौर से, तो आपको और भी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बार बार कि अभी मैं केवल और केवल स्टेप ही लिस्ट आउट कर रहा हूँ कि कौन से स्टेप के बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे वो मैं कल बताऊंगा एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो बेसिकली कभी आप स्टेप देख लीजिए, उसके बाद हाँ मैक्सिमम शियर फोर्स के अंदर जो है ड्रैग फोर्स वगैरह, ब्रेकिंग फोर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करना होगा, ठीक है। चलिए इतना हमने देख लिया। हमने प्लेट गर्डर के अंदर क्या किया था, हमने पहले लोड निकाल लिया, शियर फोर्स निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, उसके बाद हमने सेक्शन सेलेक्ट किया। तो सेम चीज यहां पर भी है, फोर्थ स्टेप हमारा होगा सेक्शन सिलेक्शन, सेक्शन सिलेक्शन हमारा फोर्थ स्टेप होगा इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन सिलेक्ट कर लिया हमने, सेक्शन सिलेक्ट हम करेंगे तो उसके अंदर भी जो उसकी इकोनॉमिक डेप्थ होती है वो एल बाय 12 मानी जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेप्थ जो इसकी एल बाय 12 ली जाती है, और भी इसके कुछ विड्थ ऑफ फ्लेंज वगैरह है जो मैं बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक डेप्थ जो होती है इसकी आपकी वो एल बाय 12 मानी जाती है, इसकी जो फ्लेंज विड्थ होती है, ठीक है। फ्लेंज विड्थ मतलब हम कह सकते हैं कि बी एफ, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लेंज कह सकते हैं, ये होती है एल बाय 40 से लेकर L by 30, इसके बीच में आपको इसकी फ्लेंज विड्थ लेनी पड़ती है, ठीक है। और ZP required का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। चले मैं खैर अंदर अभी जा रहा हूँ, इसके अंदर जरूरत नहीं है वैसे तो। तो हमने पहले क्या किया, मैक्सिमम व्हील लोड निकालना है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है, सेक्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने करना है यहाँ पर कि भाई जो हमने क्या करना है, एक ट्रायल सेक्शन जो सिलेक्ट हमने किया था, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो जो ट्रायल सेक्शन हमने किया था उसका IZZ, ये पांचवा स्टेप हमारा होगा। IZZ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्जी अलोंग जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्जी अलोंग वाई एक्सिस एंड प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस। ये तीन चीजों को हमें यहाँ वेरीफाई करना होता है कि ये तीन चीजें हमारे उस सेक्शन की हमारे हिसाब से डिजाइन के हिसाब से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, जो सेक्शन हमने यहाँ पर कंसिडर या सिलेक्ट किया है वो, ठीक है। तो ये हमें तीन चीजें यहाँ पर निकालनी होती है। इसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे किए जाते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर भी बातें करेंगे कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है। इतना हमने कर लिया, ओके। अब क्या करना है आपको, छठा स्टेप होता है मोमेंट कैपेसिटी, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी होता है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी हो जाता है फिर से। उसके बाद सातवां स्टेप होता है चेक फॉर शियर कैपेसिटी, चेक फॉर शियर कैपेसिटी हो जाता है, वही एज इट इज जो हमने गेंट्री सॉरी प्लेट गर्डर में किए थे, फॉर्मूले भी यहां पर वही रहेंगे, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमने इतना कर लिया, ये हमारे सात स्टेप यहां तक कंप्लीट हो गए। हमारा आठवां स्टेप होता है यहां पर कि भाई हमारी जो हमने जो यहाँ पर दे रखा है हमारा सेक्शन, वो बकलिंग में सेफ है या नहीं है, वो बकलिंग में सेफ है या नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी बकलिंग रेजिस्टेंस निकालनी होती है। बकलिंग रेजिस्टेंस चेक होता है ये, ठीक है, बकलिंग रेजिस्टेंस चेक। ये किस तरह से किया जाता है मैं आपको कल ही इसके अंदर एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। ये मेरा तरीका है अक्सर, तो मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा, और मैं मानता हूं जानता हूं कि इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा और समझ में ज्यादा आएगा। तो हाँ, जो हमें क्या करना है, आठवां स्टेप हमारा बकलिंग रेजिस्टेंस को यहां पर चेक कर लेना है कि ये बकल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, बकल होगा तो हमें उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब अगर ये हमारा जो है ये बिल्टअप सेक्शन होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर वेल्ड करना है। नाइन्थ स्टेप हमारा होता है, हम इसे नाइन्थ एंड लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है वेल्ड डिजाइन करनी होती है। वेल्ड हम करेंगे फ्लेंज को और हमारे वेब को, जो कि निहायत ही आसान है। हमने अब तक प्लेट गर्डर के अंदर जो किया है, जिस तरह से किया है, उसी तरह से वेल्ड यहां पर भी करना है। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और एक आखिरी स्टेप जो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अगर ना चाहो तो फॉलो ना भी कर सकते हो, ठीक है। पहला हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा स्टेप एक कम हो गया इसके अंदर। वैसे तो हमको जो हाँ लोकल बकलिंग चेक करना था, हाँ लोकल बकलिंग आप अगर ना चाहो तो भी उसको स्किप कर सकते हो, मतलब स्किप कर सकते हो, ना चाहो आपको नहीं करना वो स्टेप तो नहीं कर, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। बकलिंग और लोकल बकलिंग दो होते हैं इसके, सॉरी बकलिंग और लोकल बकलिंग। बकलिंग और लोकल बकलिंग का डिफरेंस आपको मैंने बताया था, फिर भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर बता दीजिए, लोकल बकलिंग चेक करना होता है और बकलिंग चेक करना होता है। कितने लोगों को ये पता है कि लोकल बकलिंग और बकलिंग क्या होता है, हरी अब
मुझे आप लोगों से जानना है कि कितने लोगों को ये पता है कि लोकल बकलिंग और बकलिंग क्या होता है। इनके अंदर जो चेक करना होता है मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ ही बताऊंगा। जल्दी करो भाई, जवाब दो अपने। आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूं, क्या करवा रहा हूं। जब लंबे समय तक आपकी मुझे रिप्लाई नहीं मिलते तो मुझे शंका होती थी, मुझे डाउट होता है मुझे कि आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। बताइए मुझे, जल्दी करिए। आपका अब तक मुझे एक भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। नहीं पता मीर को, ठीक है चलो मैं बता देता हूं। देखो लोकल बकलिंग और बकलिंग में डिफरेंस क्या होता है। बकल मतलब क्या होता है कि ये आपका वेब है इस तरह से, सुन लीजिएगा, ये आपका इस तरह से वेब है, ठीक है, वेब है। बकल जब होगा वेब तो इस तरह से वेब बकल होता है, ठीक है, इस तरह से ये बकल होता है वेब। दिस इज द बकलिंग, दिस इज द बकलिंग, ठीक है। और लोकल बकलिंग का मतलब क्या होता है कि ये पूरा बकल नहीं होता है। लोकल बकलिंग में ये पूरा बकल नहीं होता है, लोकल बकलिंग में इसका एक पोर्शन, ठीक है, मान लीजिए कि उसका ये कोई पोर्शन है, ये इस तरह से बकल होता है, इसे हम लोकल बकलिंग कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्रिपलिंग भी कह सकते हैं, इसे हम लोकल बकलिंग कहेंगे, इसे हम बकलिंग कहेंगे। तो ये बकलिंग के लिए चेक होगा, ये लोकल बकलिंग के लिए चेक होगा, ठीक है। तो ये दो हमें चेक यहां पर करने होते हैं, दोनों कंप्रेसिव लोड की वजह से होता है, कंप्रेसिव फोर की वजह से होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वो हम समझ में बाद में हम, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो वो हम जो है इसके चेक किस तरह से किए जाते हैं, हम कल हमारे एग्जाम्पल के अंदर इसको बखूबी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद आपका दसवां यहां पर स्टेप होगा वेल्ड का, वेल्ड का स्टेप होगा, ठीक है। ये आप चाहे तो इसको लास्ट स्टेप अपना बना सकते हो, आखिर में जो आप चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। आप चेक फॉर डिफ्लेक्शन ना भी करो तो भी आपको इसके अंदर कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या करना है, मैंने पहले बताया आपको मैक्सिमम व्हील लोड जानना है पहले, उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लीजिए, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, उसके बाद जो सेक्शन आपने सिलेक्ट किया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस वाई एक्सिस और जेड पे निकाल लीजिए क्या, और देख लीजिए कि जो आपने सिलेक्शन किया है वो इन चीजों के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी चेक कर लीजिए, मोमेंट की क्या होगी, शियर की क्या होगी, और उसके बाद बकलिंग रेजिस्टेंस कितना होगा, लोकल बकलिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, और उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आखिर में उन दोनों को वेल्ड कर दीजिए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर टू डिजाइन अ प्लेट, सॉरी गैंट्री गर्डर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यस और नो मुझे अपने जवाब बता दीजिए, यहां तक आप सभी को सब कुछ क्लियर है या नहीं, जल्दी करो आप मुझे अपना जवाब बताइए, जल्दी, हरी अब, हरी अब। सर आपकी एप्लीकेशन कब अपडेट होगी? मेरी एप्लीकेशन एक्चुअली 2 दिनों से वो अपडेट में लगी है, हमारी जो टीम है उसको 2 दिनों से उसके पीछे ही लगे हैं सब लोग, और क्योंकि अभी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि अभी उस एप्लीकेशन को अगर मेंटेनेंस मोड में डाल दें हम लोग तो बाकी सारे लोग पागल हो जाएंगे कि सर ये अपनी आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई, इसलिए मेंटेनेंस मोड में ना डालते हम क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल चलवा रहे हैं, भाई अपना अपना काम भी करो, हम हमारा काम भी करते, इसलिए आपको थोड़ा उसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा आप जिगर। चलो तो यहां तक सब कुछ सबको क्लियर हो चुका है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है, और मेरा जो टारगेट था आज का यही था कि मैं आज आपको इसके बेसिक चीजें सब कुछ समझा दूं, सब कुछ क्लियर करवा दूं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एग्जाम्पल को लेना, उसको डिजाइन करना, उसके अंदर गैंट्री गर्डर को और किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बखूबी आगे बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है तो मैं इसको अब यहां पे रफ कर देता हूं, और रफ करने के बाद जो है आज आपसे अलविदा लेता हूं। हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सभी से, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आप सब आइएगा, हम जो है गैंट्री गर्डर की डिजाइन को शुरू करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करना। आते समय आप जो है अपना कैलकुलेटर, कागज, कलम और IS-875 Part 2 साथ में लेकर आइएगा, ठीक है, और साथ साथ में अपना अच्छा मूड और दिमाग भी साथ रखिएगा, ओके, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को?
सब लोग खुश हो आज की इस क्लास को अटेंड करके, या कुछ नाराजगी अगर आपकी रह गई हो तो आप मुझे बताइए, हम उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी बताइए जरा मुझे। आज की इस क्लास से आप लोग सब खुश हो या फिर कुछ कंफ्यूजन है आपके जो आपको अभी भी उलझाए रखे हैं इसके अंदर। राजू को समझ में आ चुका है और वो खुश है इस क्लास से। Anybody else who want to give the answer of my question? If not, then I will say alvida to all of you for today, and we will see you tomorrow in the class. आज रात ETABS का क्लास YouTube पे या आपके ऐप में होगा। आज रात YouTube पे, शायद YouTube पे ही होगा, ठीक है। आज रात हमारा जो क्लास है वो YouTube पे ही होगा, प्राइवेट सेशन होगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर वो फीचर अभी आ रहा है, विच इज़ इन प्रोसेस। सर, YouTube वीडियोज़ में वीडियो अपलोड हो पाएंगे? ये वीडियोस YouTube में अपलोड नहीं कर रहे हम लोग, ये वीडियोस हमारी एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन पे सब कुछ मैं दे रहा हूँ आपको, और अभी थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्यों है ना, हम सब जो है काम करने वाले इंसान हैं, और मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और जो मेरी हमारे जो टीम है जो इसने एप्लीकेशन हमारी डेवलप की है वो भी इंसान है, और अभी क्योंकि लोड उनके ऊपर भी पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। हमारी एक एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर रहे वो लोग, बहुत सारे एप्लीकेशन हैंडल कर रहे हैं, तो हर एप्लीकेशन के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, आप इस बात को समझिए ज़रा। और क्योंकि लोग जो है अभी घर से काम कर रहे हैं, बाहर जाने की मनाही है, क्वारंटीन मोड में है सब लोग, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करो, ठीक है ना, हम भी कर रहे हैं, तो ये सब साथ में जब एक दूसरे को समझेंगे तो प्रॉब्लम का हल निकलेगा और नाराज़गी दूर होगी। वरना कई लोग सोचेंगे, फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर ये क्या है वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम आपसे पहले तो क्षमा चाहते हैं, और थोड़ा आपको पेशेंस रखने की गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस आज इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। आज हमारी क्लास एक्चुअली शुरू हुई थी 5 बजे और 7 बज चुके हैं, 2 घंटे की क्लास हमने ली है। बहुत अच्छी क्लास हुई है आज, मज़ा आ गया है मुझे भी और आपको भी। आज यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 3 बजे या 4 बजे, जो भी टाइमिंग होगा मैं आपको कल ही बता दूंगा। और गेंट्री गर्डर को डिज़ाइन करना हम कल शुरू करेंगे, सामग्री सब आपके साथ लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे एनी टाइम एप्लीकेशन के द्वारा ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं आप सभी के लिए हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने से परहेज करिए, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का ऑप्शन रखना सर, हाँ हाँ मैं रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं बात करूँगा कि ये ऑप्शन भी आपको मुहैया करवाया जाए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और मैंने जैसे कहा कि अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए, ठीक है। हम जितना अभी बच के और बचा के रहेंगे हम उतनी ही जल्दी आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, इस बीमारी से, इस महामारी से। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ और सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट।